मैं सोचता हूँ कि हम क्या करते हैं अक्सर, मैं अपनी तरफ से मानता हूँ हमें जो स्कूल देते हैं विंटर हॉलीडेज 3 या 4 मंथ्स की जो हमें विंटर हॉलीडेज मिलती है, उसमें ज्यादातर लोग अपने बच्चों को ऐसा करवाते हैं कि अगले क्लास की तैयारी करो, उसकी पढ़ाई करो। बट मैं ये सब नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि ये जो टाइम है, ये छुट्टियों का टाइम, दिस इज अ टाइम टू रिक्रिएट, दिस इज अ टाइम टू लर्न न्यू थिंग्स। पढ़ना तो आपने अगले साल पूरे समय ही है, क्यों पढ़ना तो पूरे समय ही है ना जी अगले साल। तो आई फील इस वक्त, लेकिन आप मार्च मई में तो नहीं कर सकते स्केटिंग, तो आई फील इस वक्त आपको कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, जैसे नई नई लैंग्वेजेस सीखिए। और ये आइस स्केटिंग, ये आपका बैलेंसिंग भी बढ़ाता है और दिस कम्स नेचर टू। मुझे अभी कुछ दिन पहले मेरे पापा मुझे बोल रहे थे और मम्मी पापा दोनों मुझे बोल रहे थे कि आइस स्केटिंग रिंग में चले जाओ, वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, तो यहाँ पे बहुत मजा आएगा तुम्हें, ऐसा वैसा। लेकिन आई रिफ्यूज्ड, मैं सच कह रहा हूँ, आई रिफ्यूज्ड। मैंने बोला मम्मा गिर जाएगी, अभी एग्जाम देकर हटा हूँ, जो आइस स्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, पता चले उसकी टोकर मेरी टांग टूट गई। तो फिर मैंने वो बोला कि नो, मैंने नहीं जाना। लेकिन फिर मुझे ऐसा इन्होंने कन्विंस कर दिया कि एक बार जाकर देखो, नहीं अच्छी लगी हम नहीं भेजेंगे तुम्हें। लेकिन आज मेरा फर्स्ट डे है और इतना अच्छा लगा यहाँ पे। और इससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब हम रास्ते में गाड़ी में आ रहे थे, तब मेरे जो पिताजी थे उन्होंने बताया कि जैसे आइस स्केटिंग रिंग होती है, बहुत सारी है, लेकिन वो इंडोर होती है और मैन मेड होती है, लेकिन ये नेचुरल आइस रिंग है। तो यहाँ पर भी बहुत मजा आया और यहाँ पर ट्रेनर्स ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। तो अभी तो मेरा फर्स्ट दिन है, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत फिसलूंगा, तो फिसल फिसल कर ही सीखेंगे अभी।